जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा क्लास 8 साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 7 हो चुका है और वो हुआ है चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम का। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं टेस्ट के 3 दिन बाद उस टेस्ट की सॉल्यूशन वीडियो लेकर आता हूं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टेस्ट 7 का सॉल्यूशन देखेंगे और साथ में हम देखेंगे अपने टॉपर्स के नेम। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। Combustion is a reaction in which a substance reacts with, and the options are A. Hydrogen, B. Oxygen, C. Nitrogen, and D. Argon. So guys, the correct answer of this question is B. Oxygen. So guys, combustion is a reaction in which a substance reacts with oxygen. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। Fuel may be, and the options are A. सॉलिड, बी लिक्विड, सी गैस एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। सो गाइस, फ्यूल में भी ऑल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गाइस, फ्यूल सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। ऑन बर्निंग फ्यूल प्रोड्यूसेस डैश अमाउंट ऑफ हीट एंड द ऑप्शंस आर ए लार्ज, बी लेस, सी वेरी लेस एंड डी नो हीट। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए लार्ज। सो गाइस, ऑन हीटिंग फ्यूल प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय विच रिएक्शन एंड द ऑप्शंस आर ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बी आयोनिक रिएक्शन, सी न्यूक्लियर रिएक्शन एंड डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो गाइज, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी न्यूक्लियर रिएक्शन। सो गाइज, इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स एंड द ऑप्शंस आर ए मेल्टिंग पॉइंट, बी बॉइलिंग पॉइंट, सी क्रिटिकल टेम्परेचर एंड डी इग्निशन टेम्परेचर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी इग्निशन टेम्परेचर। सो गाइस, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। विच इज द हॉटेस्ट पार्ट इन द फ्लेम ऑफ अ कैंडल एंड द ऑप्शंस आर ए ब्लू, बी ब्लैक, सी येलो एंड डी ऑरेंज। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ब्लू। सो गाइस, ब्लू पार्ट इज द हॉटेस्ट पार्ट इन द फ्लेम ऑफ अ कैंडल। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। CO2 इज स्टोर्ड एज अ लिक्विड इन सिलेंडर एट एंड द ऑप्शंस आर ए हाई टेम्परेचर, बी लो टेम्परेचर, सी हाई प्रेशर एंड डी लो प्रेशर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी हाई प्रेशर। सो गाइस, CO2 इज स्टोर्ड एज अ लिक्विड इन सिलेंडर एट हाई प्रेशर। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड ड्यू टू डैश कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन एयर एंड द ऑप्शंस आर ए इंक्रीज्ड, बी डिक्रीज्ड, सी बोथ ऑफ दीज एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए इंक्रीज्ड। सो गाइस, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन एयर। गाइस, ग्लोबल वार्मिंग तब होती है जब एयर में CO2 बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मींस इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। नेम द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्नड इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज एंड द ऑप्शंस आर ए रैपिड कंबशन, बी स्पॉन्टेनियस कंबशन, सी एक्सप्लोजन एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी स्पॉन्टेनियस कंबशन। सो गाइस, स्पॉन्टेनियस कंबशन इज अ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्नड इनटू फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस एंड द ऑप्शंस आर ए पेपर,
बी वुड, सी स्टोन एंड डी पेट्रोल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी पेट्रोल। सो गाइज अमंग ऑल दीज ऑप्शंस पेट्रोल इज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। गाइज इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, तो गाइज पेट्रोल इनमें इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है क्योंकि पेट्रोल में सबसे जल्दी आग लग जाती है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। बेस्ट एक्सटिंग्विशर फॉर इनफ्लेमेबल मटेरियल्स इज, एंड ऑप्शंस आर ए वाटर, बी CO, सी CO2 एंड डी SO2। सो गाइज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी CO2। सो गाइज बेस्ट एक्सटिंग्विशर फॉर इनफ्लेमेबल मटेरियल इज CO2। गाइज जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें CO2 गैस भरी होती है, और गाइज कभी भी अगर इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, ऑयल, इनकी वजह से अगर आग लगती है तो हमें CO2 यूज करना चाहिए, मींस फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन। विच पार्ट ऑफ द फ्लेम इज यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ फॉर मेल्टिंग गोल्ड, एंड द ऑप्शंस आर ए आउटर मोस्ट, बी इनर मोस्ट, सी मिडल एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए आउटर मोस्ट। सो गाइज गोल्ड स्मिथ यूज आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम फॉर मेल्टिंग गोल्ड एज द आउटर मोस्ट पार्ट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लेम। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। इन कंप्लीट कंबशन गिव्स, एंड द ऑप्शंस आर ए CO2, बी CO, सी कार्बन एंड डी SO2। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी CO। सो गाइज इन कंप्लीट कंबशन गिव CO, which means कार्बन मोनोऑक्साइड। गाइज जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होगा, मींस कोई भी चीज अगर आपने जलाई और वो पूरी नहीं जली तो क्या होगा, उससे CO निकलेगी, मींस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ दीज इज द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर, एंड द ऑप्शंस आर ए ऑक्सीजन, बी CO2, सी वाटर एंड डी हाइड्रोजन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी वाटर। सो गाइस वाटर इज द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड, एंड द ऑप्शंस आर ए किलो जूल पर ग्राम, बी किलोग्राम, सी किलोलीटर एंड डी किलो जूल पर केजी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी किलो जूल पर केजी। सो गाइज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर केजी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। यूजेस ऑफ डैश इन व्हीकल्स रिड्यूसेस पॉल्यूशन, एंड द ऑप्शंस आर ए CNG, बी पेट्रोल, सी डीजल एंड डी कोल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए CNG। सो गाइज यूजेस ऑफ CNG इन व्हीकल्स रिड्यूसेस पॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन। असेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर आर, एंड द ऑप्शंस आर ए एयर, बी फ्यूल, सी हीट एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। सो गाइज असेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर आर ऑल एयर, फ्यूल एंड हीट। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन। कंबशन इज अ, एंड द ऑप्शंस आर ए फिजिकल प्रोसेस, बी केमिकल प्रोसेस, सी बोथ ऑफ दीज एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी केमिकल प्रोसेस। सो गाइज कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस, बिकॉज गाइज अगर आप किसी भी चीज को जलाते हो, लाइक आपने एक पेपर को अगर जलाया तो पेपर के जलने के बाद उसकी ऐश बन जाएगी, वो दोबारा से पेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो इसका मतलब उसमें केमिकली चेंज आया है। सो कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन। ऑक्साइड्स ऑफ डैश प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ कोल, डीजल एंड पेट्रोल कॉज एसिड रेन, एंड द ऑप्शंस आर ए सल्फर एंड नाइट्रोजन, बी नाइट्रोजन एंड कार्बन, सी सल्फर एंड कार्बन एंड डी हाइड्रोजन एंड सल्फर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए सल्फर एंड नाइट्रोजन। सो गाइज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ कोल, डीजल एंड पेट्रोल कॉज एसिड रेन। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। चारकोल बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग, एंड द ऑप्शंस आर ए
CO, B H2, C CO2 and D O2. So guys, the correct answer of this question is C CO2. So guys, charcoal burns in air giving CO2, which means carbon dioxide. I hope guys, अब आपके इस टेस्ट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और गाइज, अगर अभी भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो थी हमारी सॉल्यूशन वीडियो, अब हम देखेंगे अपने टॉपर्स के नेम। तो दोस्तों, इस टेस्ट में मैंने टॉप 10 स्कोरर्स के नाम सिलेक्ट किए हैं। सो गाइज, हेयर आर द नेम ऑफ द टॉपर्स ऑन योर स्क्रीन। खुशी सिंह स्कोर्स 20 मार्क्स, खुशी गोस्वामी स्कोर्स 20 मार्क्स, अर्शिया स्कोर्स 20 मार्क्स, सोहेल अली स्कोर्स 19 मार्क्स, प्रिंस सोनी स्कोर्स 19 मार्क्स, नेक्स्ट वन इज कशिश जोशी स्कोर्स 19 मार्क्स, ईशान तुतेजा स्कोर्स 19 मार्क्स, ओशी मैथी स्कोर्स 19 मार्क्स, आदित्य पांडे स्कोर्स 18 मार्क्स एंड साक्षी साहू स्कोर्स 18 मार्क्स। सो गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू फॉर स्कोरिंग सच अ गुड मार्क्स इन दिस टेस्ट। एंड गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बींग द पार्ट ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। आई होप गाइज, आपको ये टेस्ट सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी और गाइज, ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।